हेलो स्टूडेंट, आज हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट नंबर 2, दैट इज़ रैपर क्लासेस। ठीक है, रैपर क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ रैपर क्लास एंड ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग नाम का एक कंसेप्ट है, एंड लास्ट कंसेप्ट है इन्यूमरेटेड टाइप्स। ठीक है, सो ये जो लास्ट टू टॉपिक्स है वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले देखो कि रैपर क्लास मतलब उसकी हायरार्की, कि रैपर क्लास कौन से होते हैं और किस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास जावा के रैपर क्लासेस अवेलेबल है, दैट इज़ बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, मतलब जो नंबर टाइप्स के होते हैं ना वो, उसके बाद लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, सो दीज आर सम रैपर क्लासेस इन जावा। अब देखो रैपर क्लासेस क्या होता है। सो वेक्टर्स कैन नॉट हैंडल प्रीमेटिव डेटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैरेक्टर एंड डबल। तो आपको पता है वेक्टर्स क्या करते हैं। ठीक है, सो वो प्रीमेटिव डेटा टाइप को हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज रैपर क्लासेस। सो प्रीमेटिव डेटा टाइप्स मे बी कन्वर्टेड इंटू ऑब्जेक्ट टाइप्स बाई यूजिंग द रैपर क्लास। तो हमें अगर प्रीमेटिव डेटा टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है तो हम रैपर क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, the wrapper classes for numeric primitives have the capability to convert any valid number in string format into its corresponding primitive object। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। फॉर example, इफ वी हैव अ 10 कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन इंटीजर बाई यूजिंग इंटीजर इंट वैल्यू इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 10। ठीक है, सो the wrapper object of a wrapper class can be created in one of two ways, by instantiating the wrapper class with the new operator or by invoking a static method on the wrapper class। ठीक है, सो हम टू वे से उसको wrapper object को create कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है wrapper class का use करके by using new operator, ठीक है, जैसे हम हमेशा करते हैं, and second है by invoking a static method of a wrapper class। ठीक है, तो wrapper class की हम static method का use करके भी हम create कर सकते हैं wrapper class का object। अब देखो हमारे पास कितने रैपर क्लासेस अवेलेबल है। सो दैट इज सिंपल टाइप के हैं, बुलियन, और उसका क्लास है रैपर क्लास बुलियन। कैरेक्टर टाइप होता है, उसका रैपर क्लास है कैरेक्टर, सो सी कैपिटल। डबल जो है डेटा टाइप, उसका रैपर क्लास है डबल। फ्लोट का है फ्लोट, इंटीजर इंट का है इंटीजर, एंड लॉन्ग का है लॉन्ग। ठीक है, सो दीज आर दी रैपर क्लासेस अवेलेबल इन जावा। अब देखो रैपर क्लासेस हैव नंबर ऑफ यूनिक मेथड्स फॉर हैंडलिंग प्रीमेटिव डेटा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दे आर लिस्टेड बिलो। सो बेसिकली हम रैपर क्लास का यूज़ क्यों करते हैं, जब हम किसी भी जावा प्रोग्राम में इनपुट लेते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रन टाइम। तो आपको पता है जावा में हम मेन मेथड के पास वहाँ पे ARGS नाम का स्ट्रिंग का एरे होता है, उस एरे के अंदर सारे के सारे जो भी हम इनपुट देते हैं वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। उसके डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। मतलब अगर मैंने इंटीजर भी इनपुट दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे वो स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, मुझे वो इंटीजर में ही चाहिए। तो उसके लिए हमें कन्वर्जन के लिए हम रैपर क्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो कन्वर्टिंग प्रीमेटिव नंबर्स टू ऑब्जेक्ट नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, जो भी मतलब प्रीमेटिव नंबर्स जो है ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ रैपर क्लास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया इंट वैल्यू इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। तो इंटीजर नाम का इंटीजर, उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास की आए, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, और क्या करता है वो कंस्ट्रक्टर, प्रिमिटिव इंटीजर टू इंटीजर ऑब्जेक्ट्स, इंटीजर को कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंटीजर ऑब्जेक्ट्स में। फिर है फ्लोट, डबल, लॉन्ग। सो इसी तरह से ये भी फ्लोट टू फ्लोट ऑब्जेक्ट कन्वर्जन, प्रीमेट डबल टू डबल एंड लॉन्ग टू लॉन्ग ऑब्जेक्ट कन्वर्जन। यहाँ पे जो IFD एंड L जो हमने पास किया है आर प्रीमेटिव डेटा वैल्यूज डिनोटिंग इंट, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग। मतलब जो भी वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है ना वो वैल्यूज़ है ये IFD एंड L। ठीक है, सो दे मे बी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स। ओके, अब देखो कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट नंबर्स टू प्रीमेटिव नंबर्स यूजिंग टाइप वैल्यू मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसका वो है टाइप वैल्यू मेथड। तो उसका यूज़ करके भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो है हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो एंड सेकेंड जो टाइप है दैट इज़ टाइप वैल्यू नाम की मेथड है। ठीक है, टाइप वैल्यू मेथड है, उसका यूज़ करके। सो इंट आई इक्वल्स टू इंट वैल डॉट इंट वैल्यू।
सो ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव इंटीजर, मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो स्ट्रिंग क्लास का, तो हमें मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो बाय यूजिंग दिस मेथड में कर सकती हूँ, ठीक है। फिर है फ्लोट एफ इक्वल्स टू फ्लोट वैल डॉट फ्लोट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग एल, मतलब ये जो इंट वैल है ना, ये जो फ्लोट वैल है, लॉन्ग वैल है, डबल वैल, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एल के लॉन्ग के अंदर, ठीक है, मतलब रिवर्स। तो उसके लिए हम टाइप पैलोनॉम की मेथड यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखो, कन्वर्टिंग नंबर्स टू स्ट्रिंग यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। अब हमने ये मेथड पहले भी यूज़ किए हैं, टू स्ट्रिंग नाम के मेथड। अगर हमें कन्वर्ट करना है, मतलब हमारे पास नंबर है, अगर हमने इनपुट में नंबर लिए हैं यूज़र से, तो वो कहाँ पे जाता है, ए आर जी एस नाम के एरे के अंदर, और वहाँ पे सारे के सारे कौन से डेटा टाइप हैं, स्ट्रिंग। तो मुझे उस स्ट्रिंग को अगर मुझे नंबर फॉर्मेट में प्रिंट करना है, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम टू स्ट्रिंग नाम की मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले भी इस मेथड को यूज़ किया है, ठीक है, तो टू स्ट्रिंग मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो str, देखो उसका सिंटैक्स क्या आता है, str इक्वल्स टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब अगर इंटीजर वैल्यू को मुझे अगर कन्वर्ट करना है, फ्लोट वैल्यू करना है तो फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, डबल को करना है तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग, लॉन्ग को करना है तो लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। फिर है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू न्यूमरिक ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्टैटिक मेथड वैल्यू ऑफ। अब मुझे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को न्यूमरिक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है, तो वैल्यू ऑफ नाम की मेथड है, ठीक है। सो मुझे डबल वैल्यू इक्वल्स टू डबल डॉट वैल्यू ऑफ str, मुझे str को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को इस डेटा टाइप में, डबल में। मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम वैल्यू ऑफ मेथड यूज करेंगे। उसके बाद है कन्वर्टिंग न्यूमरिक स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव नंबर्स यूजिंग पार्सिंग मेथड। लास्ट में हमारे पास अवेलेबल है पार्सिंग मेथड, ठीक है। सो ये भी है, अगर मुझे स्ट्रिंग str को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो int i इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सिंग, ठीक है, हम पार्सिंग करते हैं, ठीक है। सो पार्सिंग str, मतलब ये क्या हो जाएगा, str इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे str लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में या फिर लॉन्ग में, किसको, str को, तो पार्स लॉन्ग या फिर पार्स int, ठीक है, या फिर पार्स फ्लोट, पार्स डबल, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स हैं कन्वर्जन के लिए, पार्सिंग मेथड्स। उसके बाद है नेक्स्ट दैट कंसेप्ट, दैट इज ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग कंसेप्ट। सो ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग वॉज रिलीज विद द जावा 5 ड्यूरिंग असाइनमेंट द ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव टाइप दैट इज इंट फ्लोट डबल एक्सेट्रा इन टू देयर ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ और रैपर टाइप दैट इज इंटीजर फ्लोट डबल्स इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। मतलब प्रिमेटिव टाइप से अगर हम रैपर टाइप में कन्वर्ट करने हैं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को। ड्यूरिंग असाइनमेंट और कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैपर टाइप इनटू देयर प्रिमेटिव इक्विवेलेंट इज नोन एज अनबॉक्सिंग। मतलब डायरेक्टली अगर रैपर से हम उस प्रिमेटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने हैं, तो उसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग, और प्रिमेटिव से रैपर में करते हैं तो ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखो ऑटो बॉक्सिंग का, I इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 5, मतलब यहाँ पे मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ किसको, इस 5 को, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंटीजर I टू इक्वल्स टू 5, मतलब इस 5 को मैं रैपर क्लास में, इंटीजर क्या है रैपर क्लास, और इंट क्या है प्रिमेटिव डेटा टाइप, यहाँ पे मैं प्रिमेटिव से रैपर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ऑटो बॉक्सिंग, रैपर से इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ प्रिमेटिव में तो अनबॉक्सिंग, ठीक है। सो इस तरह से उसमें होता है। और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इन्यूमरेटेड टाइप्स। सो J2SE 5.0 अलाउज टू यूज़ इन्यूमरेटेड टाइप इन जावा यूजिंग enum कीवर्ड, ठीक है। सो हम enum कीवर्ड का यूज़ करके इन्यूमरेटेड टाइप को यूज़ कर सकते हैं। enum टाइप इज़ अ टाइप विच कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट फील्ड। दिस कीवर्ड कैन बी यूज सिमिलर टू दिस स्टैटिक फाइनल कॉन्स्टेंट। जिस तरह से हम स्टैटिक फाइनल कॉन्स्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से हम enum का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल, पब्लिक क्लास डेज में हमने पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, इस वैल्यू को लिया है। मतलब ये वैल्यू प्रोग्राम के थ्रू आउट कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको स्टैटिक एंड फाइनल बनाया है, ठीक है। द अबव कोड कैन बी रिटर्न यूजिंग इन्यूमरेटेड टाइप। तो इस तरह से लिखने के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ठीक है। तो इससे हम यूज़ करके, इसका यूज़ करके हम किस तरह से लिख सकते हैं, पब्लिक enum एंड डे, ठीक है।
सो डे को हम संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे, ठीक है। सो पब्लिक इन, सो इस तरह से हम इस इन्यूमरेटेड टाइप का यूज़ कर सकते हैं टू गिव दी कॉन्स्टेंट स्टैटिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर हमें प्रोग्राम में स्टैटिक कॉन्स्टेंट का यूज़ करना है तो हम हर बार स्टैटिक फाइनल वेरिएबल का यूज़ करने के अलावा हम इनम टाइप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम इन्यूमरेटेड डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्विक रिविजन में हमारे पास है टू क्वेश्चंस। सो डैश पैकेज इज अ पार्ट ऑफ अ रैपर क्लास विच इज़ इम्पोर्टेड बाय डिफॉल्ट इनटू ऑल जावा प्रोग्राम। सो कौन सा पैकेज हम यूज़ करेंगे? सो java.language, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में भी कन्वर्टेड जी java.lang प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में भी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट टाइप बाय यूजिंग द कंटेनर इन द java.lang टाइप्स बाय यूजिंग द किससे कर सकते हैं कंटेंट इन java.lang पैकेज दैट इज पार्सिंग मेथड से, ठीक है। सो रैपर क्लास या फिर पार्सिंग मेथड, सॉरी रैपर क्लास, ठीक है, रैपर क्लास से कर सकते हैं। सो दीज आर टू रिविजन क्वेश्चंस। सो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।